दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका प्लम्बर स्पेशलिस्ट चैनल में। दोस्तों आपके आपका बाथरूम अगर पानी का प्रेशर लो आता है, स्लो आता है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। तो सर आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों आप कैसे सस्ते में दोस्तों आपका जो है बाथरूम का पानी का प्रेशर बढ़ा सकते हो आसानी से। जैसे ये बाथरूम में दिखा रहा हूँ दोस्तों, अगर बाथरूम आपका इस टाइप का है कुछ, ये दोस्तों नल वगैरह है और कंसिस्ट का है, मतलब छोटा साइज का बाथरूम है, तो उसका जो है टैंक आपके बाथरूम के ठीक ऊपर है, यानी टैंक का हाइट कम है, दोस्तों उसके लिए आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप कैसे आपका पानी का प्रेशर बढ़ा सकते हो। क्योंकि दोस्तों टैंक अगर हाइट कम होता है तो बेसिकली पानी का प्रेशर कम आता है, और दोस्तों अगर आपका टैंक का हाइट सही है फिर भी अगर पानी का प्रेशर नहीं आता है तो इस पंप की मदद से आप दोस्तों पानी का प्रेशर बढ़ा सकते हो ब्लॉक पाइप को क्लीन करके। यहाँ पर इस पंप का भी मैं लिंक दोस्तों बता दूंगा लास्ट में परचेस कैसे कर सकते हो उस पंप को। दोस्तों इस टाइप का जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उस टाइप का छोटा अगर आपका बाथरूम है दोस्तों, आपके जस्ट दोस्तों बाथरूम के ऊपर टैंक है, तो आपका पानी का प्रेशर अगर उसके वजह से स्लो आता है, तो सर आज की इस वीडियो में यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मोटर है ये बूस्टर पंप है, सर्कुलेटिंग बूस्टर पंप। तो ये जो पंप है दोस्तों गर्म और ठंडा दोनों पानी में वर्क करता है 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इस पंप को लगाऊंगा और जो है पानी का प्रेशर जो है इसको बढ़ाकर बताऊंगा इस पंप को लगाने के बाद में। क्योंकि ये जो पंप है दोस्तों काफ़ी सेव, मतलब आपका बिजली सेव करेगा, केवल 100 वाट का ये पंप है। जैसे एक बल्ब जितना करंट खाता है दोस्तों ये भी उतना खाएगा, 100 वाट का ये पंप है और बहुत कम यूनिट बिजली का बिल आएगा आपका। और इसमें दोस्तों ये जो है ऑटोमेटिक काम करता है दोस्तों, मतलब ये डायरेक्ट भी आप ऑन रख सकते हो या फिर इसका दो सिस्टम का स्विच है, इसको ऑटो भी रख सकते हो। तो यहाँ पर इसका इनलेट और आउटलेट में आपको क्या करना है दोस्तों, मेन लाइन से जो है टैंकी से लेना है लाइन और इसको इन आउट जोड़ना है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इस पंप को मैं ला के बताऊँगा और साथ ही साथ पानी का प्रेशर जो है दोस्तों बढ़ा के भी बताऊँगा। तो इस पंप का प्राइस दोस्तों आपको 2.5 से 3 हज़ार का रेंज में आपको मिल जाएगा। हर एक ब्रांड का दोस्तों अलग अलग प्राइस होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों मैं इस पंप को लगाने के लिए टैंक से एक इसका इनलेट के लिए अलग से लाइन लूँगा और उसका आउटलेट को लेकर मुझे उस बाथरूम में जोड़ना है यहाँ पे। तो ये देख सकते हो तो ये जो लाइन है दोस्तों डायरेक्ट टैंक से आ रहा है, वाटर टैंक से आ रहा है। तो उसको काटने के बाद में मैं यहाँ पे इस पंप को सबसे पहले इसका साथ में जो यूनियन दिया था दोस्तों, ये जो है बहुत कोई भाई इसको खोल कर फेंक देते हैं, तो इसको मैं लगाऊँगा, ये यूनियन का काम करेगा। उसके बाद में इसको दोस्तों हाफ इंच का, क्योंकि इसका आउटलेट है हाफ इंच साइज का, तो इसका हाफ इंच का इसमें ब्रास का FTA लगा रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद में इसका दोस्तों इनलेट आउटलेट जो है इसका दोनों में इसको लगा दूंगा वाशर देकर यहाँ पे। तो ये जो है दोस्तों यूनियन का काम करेगा, कभी भी अगर ये पंप ख़राब होता है बिगड़ता है तो यहाँ से खुलकर मेंटेनेंस भी हो सकता है, सर्विस हो सकता है ये पंप अलग से खुलकर। तो इसीलिए उसका दोस्तों रिंग जो है साथ में आया था उसको आपको लगाना ज़रूरी है। तो उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो क्योंकि हाफ इंच का ये पंप है, हाफ इंच साइज का, तो इसलिए 1 इंच का लाइन से मैं इसको लूँगा। तो इसमें एक हाफ का बूस्ट मार्कर मैं इसको कर दिया हूँ यहाँ पे। और ये देख सकते हो एरो का आपको देखकर लगाना है दोस्तों, जिस साइड पानी जाएगा उसके हिसाब से आपको एरो लगाना। जैसे ये ऊपर से इनलेट है और नीचे आउटलेट की तरफ जा रहा है, तो एरो का जो रुख है वो नीचे की तरफ होगा यहाँ पर। और दोस्तों ये काफ़ी शानदार वीडियो है और इस वीडियो में इस जो पंप है, पंप को लगाकर अभी मैं अभी टेस्टिंग करके आप लोगों को बताऊंगा पानी का प्रेशर कितना बढ़ता है दिखाऊंगा। और ये जो दोस्तों पंप है ये आप इसको आप अगर आपका गीजर का पानी स्लो आता है इसको गीजर का आउटलेट में भी लगा सकते हो दोस्तों पानी तेज़ी से लाने के लिए। काफ़ी कम बिजली वाला, मतलब बिजली का बिल जो है काफ़ी कम आएगा और एकदम लो नॉइज का पंप है, मतलब साउंड बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा दोस्तों। जब ऑन करूँगा इसमें क्या है, लो नॉइज बिल्कुल भी, आपको पंप चल रहा है कि बंद है आपको वो भी पता नहीं चलेगा, इतना मतलब इसको साउंड क्वालिटी इस पंप का बहुत कम है। तो आप अगर आपके घर में दोस्तों लॉप टैंक भी लगा हुआ है जस्ट आपके बाथरूम के मतलब ऊपर लॉप टैंक जो होता है वो भी अगर आप लगा हुआ है उसका भी इसमें आप ये पंप लगा सकते हो। जस्ट आपको दोस्तों काट कर इनलेट और आउटलेट को मेन लाइन से ज्वाइन करना है आपको, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। बाथरूम के अंदर भी आप ले सकते हो, अगर वहाँ पे आपका लॉप टैंक लगा है उसके साइड में इसको लगा सकते हो, क्योंकि काफ़ी छोटा भी जगह ये लेगा ये पंप यहाँ पे। अब मैं इसको दोस्तों आप देख सकते हो इनलेट और आउटलेट को लगा रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको यूनियन देकर इसको लगा देता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं आपको दोस्तों ये जो है लग चुका है पंप, अब मैं आपको इसको ऑन करके बताऊँगा, पानी टेस्टिंग करके बताऊँगा पानी का प्रेशर कैसे पहले कैसे आ रहा था अब कैसा आएगा इसके बारे में बताऊँगा।
तो सर क्योंकि पानी का जो प्रेशर है, अगर टैंक का हाइट कम होता है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पंप लेना बहुत ज़रूरी है। पानी का प्रेशर क्योंकि काफ़ी स्लो आता है उससे, तो इसीलिए यहाँ पे ये पंप को मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि टैंक जो है दोस्तों वाटर टैंक वो बाथरूम से थोड़ा ऊपर है, मतलब 5 फीट ऊपर है, तो इसके वजह से इसको मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि पानी का प्रेशर काफ़ी स्लो आ रहा था। अब जो है मैं दोस्तों इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये आप बाथरूम देख सकते हो, ये दो नल है और गर्म ठंडा के लिए गीजर है, और ये दोनों नल में गर्म ठंडा का पानी आता है, और दो कॉन्सेस टपक जो है दोस्तों गर्म ठंडा का शावर में पानी जाने के लिए, और इसका बाहर साइड में दोस्तों वाश बेसिन है। यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों, ये बाहर साइड में वाश बेसिन है, तो सस्ता सुंदर और अच्छा छोटा काफ़ी बाथरूम है। उसके बाद में यहाँ पर जो पम्प है इसको मैं ऑन कर दिया हूँ, आप देख सकते हो ये जो है दो सिस्टम का है, एक डायरेक्ट ऑन भी रहेगा और ऑटो सिस्टम भी रहेगा, ऑटोमेटिक नल खोलने पर चालू बंद होता रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पहले का पानी नॉर्मल पानी, उसके बाद में जब मैं स्विच ऑन किया हूँ यहाँ पे, ये पानी का फ्लो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे भी मैं इसका शावर ऑन करूँगा और ये जो है नॉर्मल पानी आ रहा है। अब मैं जैसे ही दोस्तों स्विच ऑन करूँगा इस मोटर का, तो यहाँ पर आप देख लीजिए पानी का प्रेशर कितना तेज़ी से आ रहा है, मतलब काफ़ी तेज़ी तो नहीं है लेकिन इतना तेज़ी आ रहा है कि आपका काम आसानी से चल जाएगा। और क्योंकि काफ़ी तेज़ी से अगर पानी आता है उसमें आपसे पानी का वेस्टेज भी होता है, तो मतलब इतना जितना प्रेशर आ रहा है इस मोटर से बन रहा है, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट, ये नॉर्मल और स्विच देने के बाद में पैसा बढ़ रहा है दोस्तों, और ये पम्प ऑटोमेटिक काम करता है, आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं दोस्तों। आपको प्लग इन करके वैसे ही रख देना है, तो ये ऑटोमेटिक जब जैसे आप नल खोलोगे दोस्तों ये चालू हो जाएगा, और नल बंद करने के बाद में ये बंद हो जाएगा। ये आप देख सकते हो पानी का प्रेशर काफ़ी बढ़ गया है। तो दोस्तों इस पंप को ख़रीदने का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप खरीद सकते हो, और ब्लॉक टैप क्लियर करने का हैंड पंप आप मुझसे खरीद सकते हो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बाय।